brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है, जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। हाल ही में भारत का स्वतंत्रता दिवस के अवसर में पिछले साल की तरह इस साल भी भारतीय कलाकार द्वारा नेपाल में कुछ प्रस्तुति हुई। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र काठमांडू के निमंत्रणा में कव्वाली क्वीन चंचल भारती जी नेपाल आई थी और उन्हां से करी गई विशेष बातचीत आज आप लोग आने दिखाने जा रहे हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये सूफी और कव्वाली ये क्या है और आपका इसकी तरफ झुकाव कैसे? सूफी कव्वाली, सबसे पहले कव्वाली, कव्वाली जो है वो का मतलब है कि सूफिज्म हमारे जो भी सूफी संत वो किसी भी धर्म के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन सिख ईसाई किसी भी धर्म के जो अच्छे लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को ऊपर वाले की याद में अपने आप को फना कर दिया यानी ख़त्म कर दिया, उन लोगों ने अपने अपने कौल कहे हैं। कौल मीन्स यानी कि अपनी बातें रखी हैं जो भी उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो भी उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने, क्योंकि अब वो बता तो नहीं सकते किसी को, तो बताने का तरीका, उनको मानने का तरीका उन्होंने कैसे माना, कैसे समझा ईश्वर को या ईश्वर के अनुयायियों को किस तरह से समझा, तो वो उन्होंने लिखने के लिखित रूप में एक शायरी के अंदाज में उन्होंने उसको लिखा। तो जो हमारे सूफी संतों ने लिखा जो कहा उसी को ही कौल कहते हैं, और कौल का मतलब कव्वाली, ये कव्वाली हुई। और कव्वाली में हम लोग वही गाते हैं, वही सुनाते हैं जो हमारे सूफी संतों ने कहा है। और ये सूफी संगीत जो है समय के हिसाब से, या यूँ कहूँ कि जो आपने बताया गीतों की जो पुरानी बात है, समय के हिसाब से इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? ज़रूरी नहीं है वो चीज़? नहीं, बदलाव तो आया है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आया है। जैसे बदलाव का हम आपको बताएं कि पहले जो कव्वाली जो सूफी लोगों में हुआ करती थी वो सिर्फ एक ढोलक पर हुआ करती थी, एक या तो चंग जिसको ढपली कहते हैं उस पर हुआ करती थी। आज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, हारमोनियम आ गया है, ऑक्टोपैड आ गया है, ढोलक तबला ये सब सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया है, कीबोर्ड आ गया है, बैंजो आ गया है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अब पहले के बनिस्बत कव्वाली में इस्तेमाल होने लगे, यूज़ होने लगे।
तो नहीं तो कव्वाली तो स्टार्टिंग शुरुआत जो है वो ढोलक पर भी नहीं थी, हम आपको बताएं वो सिर्फ ढप पर हुआ करती थी, एक ढप होता है थाल का, बस उसी पर हुआ करती थी। ढोलक भी बाद में आई है, लेकिन आज बदलाव ये है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कव्वाली के अंदर बजते हैं, और कम से कम 8-8, 10-10, 12-12 लोगों का ग्रुप होता है, तो ये बदलाव तो आया है। तो आप जो अभी आपने जो कहा ग्रुप की बात, एक सूफी गीतकार या गायक या गायिका बिना अपने ट्रूप के या अपने ग्रुप के बिना वो अधूरा है? अधूरा है। ये जो ग्रुप होता है आप लोगों का, वो ग्रुप में जो और मेंबर्स होते हैं उनमें से एक दो मेंबर में परिवर्तन आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भाई हमारा 10 आदमी का ग्रुप है, अगर एक दो, देखिए परेशानियां तो सभी में आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जगह हम किसी और को ले लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। किसी की घरेलू परेशानी है तो वो अपनी घरेलू परेशानी छोड़ करके तो नहीं आ सकता है, तो उसकी जगह हम किसी और को ले करके अपना ताल बैठा लेते हैं। हाँ 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 हाँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सूफी संगीत और अन्य जो संगीत है जी, उसमें खास अंतर क्या होता है? सूफी संगीत और जो और संगीत है उसका अंतर ये है कि अंतर हम किसको बताएं, जैसे हम भजन सुनते हैं, भजन को ही सूफी संगीत कहते हैं, हिंदी में भजन कहते हैं और उर्दू में सूफिज्म बोलते हैं। तो जब हम भजन गाते हैं तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को, ऊपर वाले, भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो इसी तरह से हम कव्वाली में भी सूफिज्म में भी हम भगवान को ही याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। तो ये जो सूफी जो है, सूफिज्म, हमने, मैं बचपन से सुनता आया हूँ दो चीजें ज्यादातर, दमादम मस्त कलंदर जी, और छाप तिलक, ये बहुत पहले से सुनते हैं जी, जी, जी। ये यही क्यों है और क्यों चीज बदलाव है? तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन कोई चीज लोगों के कानों में बैठ जाती है, कुछ चीजें लोगों के दिमाग में पेवस्त हो जाती है, क्योंकि वो एक एक वर्डिंग उनका रटा हुआ रहता है, लोगों के जहन में रहता है। तो जो उनके जहन में रहता है वही सुनना पसंद करते हैं, कितना ही कुछ भी कर लें, गा लें, बजा लें, लेकिन ये जरूर फरमाइश आएगी। या हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास यही आता है कि प्लीज आप छाप तिलक जरूर गाइएगा। और ये जैसे सूफी में जो चीजें आप लोग जो नगमे गाते हो, प्यार से, प्यार के नगमों से ज्यादा दर्द भरे नगमे बहुत अच्छी से गाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ अगर प्यार भरा माहौल है तो फिर उसी तरह का गाना बजाना होता है, और जहाँ अगर दर्द भरा माहौल है तो उसी तरह की शेर व शायरी सुनाई जाती है। शेर व शायरी जो सुनाई जाती है वो देखिए किसी एक ही चीज़ को अभिव्यक्त नहीं करता है, शायरी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी फिलॉसफियों को दर्शाता है, बताता है। तो हम एक ही टॉपिक पर कितना शेर कह सकते हैं, तो टॉपिक चेंज होता रहता है। लेकिन हमने एक चीज देखा है, ज्यादातर हिंदी फिल्मों में कव्वाली हो या सूफी संगीत का जो गीत होता है दर्द भरे माहौल में ज्यादा दिखाया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए दिखाया जाता है, अक्सर फिल्मों में पिक्चराइजेशन के ऊपर गाने मतलब वो देते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जब हीरो बहुत हताश, बहुत परेशान, को उस जिसको वो चाहता वो नहीं मिल रही है जी, तो वो दरगाह पे जाता है। हाँ, ज्यादातर अल्लाह के, ज्यादातर अल्लाह के दरबार में जाता है। हाँ, हाँ। या हीरोइन है वो भाई हीरो को चाहती है, वो नहीं मिल रहा है, किसी वजह से बिछड़ गए या परिवार वाले नहीं मिलने देते, तो वो हताश परेशान बस वो
दरबार में जाती है, और जब वो जाती है या जाते हैं तो वहाँ तो दर्द भरा ही माहौल होगा, कोई खुशी का माहौल तो होगा नहीं, तो इसलिए वो फिल्मों में दर्द भरे गीत ज़्यादा बिछड़ने के और मिलने के और इसके मतलब ये ज़्यादा देते हैं। लेकिन जो हम लोग लाइव कंसर्ट जो करते हैं उसमें ऐसा ना कोई हीरोइन बिछड़ती है ना कोई हीरो बिछड़ता है, हम लोगों को जो अपनी मतलब प्रेजेंटेशन होती है जो देनी होती है वो हम लोग देते हैं, तो हम लोगों के वहाँ बहुत ज़्यादा दुखी होने वाला माहौल नहीं है। हमारे दर्शकों के लिए दर्द भरे आपकी कुछ नगमों में से चार पंक्तियाँ हो जाए जरा। गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, ऐसो रंग रंगो रंगिया ने, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, ऐसो रंग रंगो रंगिया ने, शक्ल मुर्शद मोह दिखा के, शक्ल मुर्शद मोह दिखा के दीवानी कर दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, गुरु ने अजब समझ दे दीनी, ऐसो रंग रंगो रंगिया ने। लेवा हाँ एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार कुन देवता को साधना रुद्राभिषेक द्वारा पनि गरिन्छ? अप्सन ए उन्मत्त भैरव, अप्सन बी कार्तिकेय, अप्सन सी ब्रह्मा र अप्सन डी शिव। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल एक्स 14, प्रत्येक दुई हप्तामा एक जनालाई सीजी को फ्यान हिटर, प्रत्येक महिना एक जनालाई। विजेता को नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव मा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by YY Gyan Jyoti, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY Gyan Jyoti पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology le bansa solid cement. Solid, solid.